हेमंत जी के पास आएंगे। हेमंत जी, एक्स फैक्टर पर बात कर रहे थे हम कि महिला कितनी एक्स फैक्टर साबित हो सकती है, अगर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल काबिल था, देखने को भी मिला है कि जो शहरी इलाके थे महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, और हम लोगों ने जब बात की थी उनसे मतदान केंद्रों पर तो ऐसे रुझान भी देखने को मिले थे, जिससे बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा देखने को दिखता नजर आया। और आज देखिए काउंटिंग का दिन है, अभी 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे तकरीबन 10 बजे की अगर हम बात। रविंद्र बुनियाला जो खानपुर से प्रत्याशी है, खानपुर का दंगल जो है बड़ा दिलचस्प है। रविंद्र जी मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल, अजीम जी आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा हेमंत साहब का थोड़ा सा जी। हेमंत जी जी, तो कुल मिला जुला के अभी 10 बजे तक का समय देखना पड़ेगा कि 10 बजे तक किस तरह से जो है क्या शुरुआती रुझान क्या आता है, लेकिन जो मेन रुझान है वो 12 बजे तक काविंद्र आने की जो है संभावना व्यक्त की जा रही है। और जो काउंटिंग प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा ढिलाई देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से एजेंटों का 7 बजे एंट्री थी और अभी भी हम देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें जो एजेंट है, मतगणना एजेंट है उनकी बाहर। ये हेमंत जी आप बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से ढिलाई देखने को मिल रही है आप थोड़ा? ढिलाई जो 7 बजे एंट्री की बात कही गई थी कि मतगणना स्थल के अंदर जो है एंट्री जो एजेंट है उनकी हो जाएगी, लेकिन अभी भी बाहर जैसे आप देख सकते हैं कि बड़ी लंबी लंबी लाइनें एजेंटों सभी दल के मतगणना एजेंट है, वो सभी प्रत्याशियों के जो मतगणना एजेंट है वो भारी संख्या में बाहर अभी लाइन में खड़े हैं, और अभी तक उनकी मतलब शुरुआती एक तरीके से लेट लतीफी टाइप हो रही है वो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।